वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर्स में 37th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल जो गोवा में हुआ था 20 सितंबर 2019। और इसमें तीन प्रेस रिलीज है, जिसमें एक है लॉ एंड प्रोसीजर रिलेटेड चेंजेस, दूसरा है जीएसटी रेट ऑन गुड्स और तीसरा है जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज। तो मैं सबसे पहले जीएसटी रेट ऑन गुड्स करता हूँ। इसमें कुछ रिडक्शन भी है और कुछ इंक्रीज भी है। रिडक्शन देखेंगे तो 18% से 12% ऑन पार्ट्स ऑफ स्लाइड फास्टनर्स, तो जो इस इंडस्ट्री में वो बखूबी समझते होंगे ये है क्या। 18% to 5% मैराइन फ्यूल 0.5%, एफ ओ मुझे लग रहा है कि मैराइन फ्यूल की टाइप होगी, 0.5% एफ ओ। 12% to 5% ऑन वेट ग्राइंडर्स कंसिस्टिंग स्टोन एज ए ग्राइंडर, तो हमने कुछ फोटो निकाला तो ये स्टोन वाला ये कह रहा है कि स्टोन होना चाहिए। खैर, फिर इन्होंने 5% to nil किया है ड्राई टैमरिंड यानी कि इमली के ऊपर। फिर प्लेट्स एंड कप्स मेड अप ऑफ लीव्स फ्लावर्स एंड बार्क, तो ये बहुत दिनों से चल भी रहा था और काफ़ी न्यूज़ में भी था कि पत्तों से प्लेट्स या कप बनाएंगे, फ्लावर से बनाएंगे या बार्क से बनाएंगे यानी कि पेड़ की छाल से, तो वो सब अब नील है, तो काफ़ी अच्छा मूव है ये तो। फिर 3% to 0.25% ऑन कट एंड पॉलिश सेमी प्रेशियस स्टोन्स। फिर एप्लीकेबल रेट टू 5%, एप्लीकेबल रेट कम मतलब बहुत तरह के रेट होते होंगे तो इसीलिए एप्लीकेबल रेट लिख दिया, 12% भी होगा 18% भी होगा। अब यूनिफॉर्म रेट 5% ऑन स्पेसिफाइड गुड्स फॉर पेट्रोलियम ऑपरेशंस अंडरटेकन अंडर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी और आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिफेंस गुड्स नॉट बींग मैनुफैक्चर्ड इंडिजीनियसली अप टू 2024। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फीफा, जो वुमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है यहाँ पर, इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट है। और फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, तो अगेन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में आता है, इनको भी अगर कुछ सप्लाई करेंगे तो वो भी एग्जेम्प्ट है। फिर अब इंक्रीज है, इंक्रीज देखिए क्या है, 5% to 12% ऑन गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 86 ऑफ टैरिफ लाइक रेलवे वेगन्स कोचेस रोलिंग स्टॉक विदाउट रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC। और पहले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण रिफंड मांग रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम लोग आउटपुट का टैक्स ही बढ़ा देते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। दिस इज टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ ITC एक्यूमुलेशन विद सप्लायर्स ऑफ दिस गुड्स। 18% to 28%, अब देखिए हम लोग बार बार बताते हैं कंपनसेशन सेस जनरली तभी लगता है जब 28% रेट हो, तो ये कैफिनेटेड बिवरेजेस पे उन्होंने 18% से 28% कर दिया और 12% सेस लगा दिया, तो टोटल 40% है इस पे कैफिनेटेड बिवरेजेस पे। तो बेसिकली रेड बुल टाइप के जो बिवरेजेस हैं उनके ऊपर 40% टैक्स है। मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन exemption from GST, IGST at the time of import on silver, platinum by specified nominated agency, यानी कि सभी के लिए exemption नहीं है, कुछ specified nominated agency है उनके लिए है, तो जब notification आएगा तब पता लगेगा। फिर supply of silver या platinum by specified nominated agency to exporters for export of jewelry, तो ये import करेंगे फिर export करेंगे, पूरा का पूरा chain ही उन्होंने exempt कर दिया है। Inclusion of Diamond India Limited in the list of nominated agencies eligible for IGST exemption on import of gold, silver, platinum so as to supply at nil GST to jewelry exporters. So Diamond India Limited, तो ये Diamond India Limited basically ये trade body है जहाँ पर gem and jewelry sector के बहुत सारे shareholders हैं इसमें और widely dispersed shareholding है। इनका काम है rough diamond import करना और jeweler को supply कर देना। तो ये डायमंड जब इंपोर्ट करेंगे तो IGST नहीं लगेगा, जब ज्वेलर को सप्लाई करेंगे तो उस पर भी IGST या CGST नहीं लगेगा, बेसिकली एग्जेम्पशन है। तो बेसिकली ये ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे CII है, FICCI है, लेकिन ये कंपनी द्वारा फॉर्म्ड है, डायमंड इंडिया लिमिटेड इज ए ट्रेड बॉडी। नेक्स्ट करते हैं, यूनिफॉर्म GST रेट ऑफ 12% ऑन पॉलीप्रोपिलीन पॉलीथिलीन वुमन एंड नॉन वुमन बैग्स एंड सैक्स वेदर और नॉट लिमिटेड ऑफ ए काइंड यूज फॉर पैकिंग गुड्स फ्रॉम प्रेजेंट रेट्स ऑफ 5, 12 और 18%। तो बहुत तरह के रेट थे, उन्होंने यूनिफॉर्म रेट 12% कर दिया और
तो बेसिकली इस तरह का बैग होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बोरा है, बेसिकली आप देखे होंगे ब्राउन कलर का बोरा होता है, वही है ये। और ये प्लास्टिक बैग है, जहाँ मैं पॉलीथिलीन बोल रहा हूँ तो प्लास्टिक बैग है, और पॉलीप्रोपिलीन बोल रहा हूँ तो बेसिकली जूट टाइप का कोई बैग है। खैर, तो उन्होंने रेट 12% कर दिया। फिर GST कंसेशन इन सर्टन केसेस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, एग्जेम्पशन टू फिश मील। तो ये फिश मील है, शायद मछलियों को खिलाने के लिए कुछ खाना होगा। इसमें कुछ डाउट आ रहा था कि इस पर टैक्स देना या नहीं देना, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, भैया इस पीरियड में जो भी टैक्स कलेक्ट किया है उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, दैट हैज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड। तो बेसिकली HSN क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसके कारण ये डाउट आया होगा। इसके बाद 12% GST ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑन पुली व्हील्स एंड अदर पार्ट्स एंड यूज एज पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी। तो इस पीरियड में जो रेट लगेगा पुली व्हील्स एंड अदर पार्ट्स, वो 12% लगेगा। तो अगर 5 सोच रहे थे तो भी 12 है, 18 सोच रहे थे तो भी 12 है। तो अगर आपने 5 के बेसिस पे कलेक्ट किया है तो 12 डिपॉजिट करना होगा, 18 के बेसिस पे कलेक्ट किया तो 18 ही डिपॉजिट करना होगा। रिफंड जिसके जिसने ये बर्डन बियर किया है उसको मिलेगा। फिर पैसेंजर व्हीकल्स ऑफ इंजन कैपेसिटी 1500 cc इन केस ऑफ डीजल, 1200 cc इन केस ऑफ पेट्रोल। यानी कि पूरा अल्टो, स्विफ्ट, हुंडई, ये सब जो छोटी गाड़ियां हैं वो सारे कवर हो गए। लेंथ नॉट एक्सीडिंग द डिजाइन फॉर कैरिंग अप टू 9 पर्सन्स, अट्रैक्ट कंपनसेशन सेस ऑफ 1% फॉर पेट्रोल एंड 3% फॉर डीजल व्हीकल। काउंसिल रिकमेंडेड सेम कंपनसेशन सेस रेट फॉर व्हीकल्स हैविंग दीज स्पेसिफिकेशंस बट डिज़ाइन फॉर कैरिंग मोर देन 10% बट अप टू 13%। तो बड़ी गाड़ियों पे, यानी कि 10 या 13, मोर देन 10 या अप टू 13 पे जो सेस लगता था वो 15% लगता था, अब उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया। पेट्रोल है तो 1%, डीजल है तो 3%। अदर मिसलेनियस चेंजेस, एरेटेड ड्रिंक मैनुफैक्चर यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। एरेटेड ड्रिंक मैनुफैक्चरर्स यानी ट्रेडर आ सकते हैं, लेकिन मैनुफैक्चरर को एक्सक्लूड कर दिया गया कंपोजिशन स्कीम से। तो आइसक्रीम मैनुफैक्चरर, टबैको मैनुफैक्चरर, ये सब पहले ही एक्सक्लूडेड थे, इनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। ऑप्शन टू पे GST एट द रेट ऑफ 18% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स फॉर पेट्रोलियम ऑपरेशन ऑन विच कंसेशनल GST रेट ऑफ 5% वॉज पेड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई प्रोवाइडेड दैट द गुड्स आर सर्टिफाइड बाई DGH एज नॉन सर्विसेबल। तो इसको पढ़ के तो यही लग रहा है कि पेट्रोलियम ऑपरेशंस करते वक्त कुछ वेस्ट निकलते होंगे, उसको डिस्पोज करना है, तो उस पर ऑप्शन है या तो 18% या 5%, और 5% में कुछ कंडीशंस डाले हुए इन्होंने। तो जो इस इंडस्ट्री को जानते हैं वो उनको पता होगा, हमें तो रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिफंड ऑफ कंपनसेशन सेस ऑन टबैको प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ये नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा डिटेल में क्या है। Prescribing modalities for allowing concessions on spare parts imported temporarily by foreign airlines for repair of their aircraft while in India in transit in terms of Chicago Convention on Civil Aviation. अभी कैसे कंसेशन आएगा कि फॉरन एयरलाइंस का रिपेयर इंडिया में हो रहा है और उस वक्त कोई स्पेयर पार्ट्स आप इम्पोर्ट करके रखे हुए हैं तो उस पर कंसेशन चाहिए। तो लेट द नोटिफिकेशन कम। सर्टन अदर चेंजेस ऑफ टेक्निकल नेचर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इन एप्लीकेशन ऑफ नोटिफिकेशन। चलिए इसके बाद है क्लैरिफिकेशन एज रिगार्ड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन गुड्स रिकमेंडेड बाई GST काउंसिल विच इंटर एलिया इंक्लूड्स मियर हीटिंग ऑफ लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स फॉर रिमूविंग मॉइस्चर और टू सोफन एंड पफ इट और रिमूविंग द स्किन एंड नॉट सब्जेक्टेड टू एनी अदर प्रोसेसिंग और एडिशन ऑफ एनी अदर इन्ग्रीडियंट्स वुड बी क्लासीफाइड अंडर HS कोड 0713। तो HSN कोड में क्लासीफाई करना, नंबर क्लासीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेट उसी से पता लगता है। तो इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हुआ रहेगा, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया अगर ये प्रोसेस करेंगे, यानी कि रिमूविंग मॉइस्चर कर रहे हैं, सोफन या पफ कर रहे हैं, स्किन रिमूव कर रहे हैं, तो आपको इसमें क्लासिफाई करना होगा। ऑल मैकेनिकल स्पेयर्स फॉलिंग अंडर दिस वुड अट्रैक्ट 12% GST। पार्ट्स लाइक सोलार इवैक्यूएशन ट्यूब्स फॉर सोलार पावर बेस्ड डिवाइस लाइक सोलार वाटर हीटर, सोलार स्टीम, जनरेशन स्टीम्स वुड बी एलिजिबल टू 5% GST रेट। एक्सक्लूसिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सुटेबल फॉर यूज और प्रिंसिपली विद ए मिडेबल डिवाइस
would fall in respective heading and attract GST at a concessional rate of 12%. Almond milk is classifiable in this and attracts GST rate of 18%. Wow. Imported stores for Navy would be entitled to exemption from import duty, including. ये तो गायब है. चलिए. तो द रेट चेंजेस शैल बी मेड इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अक्टूबर 2019. तो अगर नोटिफिकेशन पहले ले आएंगे तो उसमें विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 लिख देंगे. तो ये पूरा का पूरा हमने जीएसटी रेट ऑन गुड्स आपको बता दिया. अब इसके बाद जो वीडियो आएगा सर्विसेज वाला, उसके बाद प्रोसीजर वाला. आइए और आपको बता दें, हम लोग जीएसटी की वीडियो क्लासेस चलाते हैं, वो मैं आपको दिखलाना भी चाहता हूँ, क्योंकि आप इधर उधर से करेंगे. तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com. अगर आपको पूरा जीएसटी करना है, इन डेप्थ जीएसटी करना है, तो हम ही लोग करवाते हैं और कोई नहीं करवाएगा. वीडियो क्लासेस में जाइए, वीडियो में जाइए. फिर बहुत सारे सिलेबस कोर्सेज के हैं, सीए फाइनल, सीए इंटर, सीएस प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव, सीएमए फाइनल इंटर, और लास्ट में जीएसटी प्रैक्टिशनर का भी कोर्स है. और ये 120 घंटे से ज़्यादा है, तो ये 110 से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे अमेंडमेंट आती है हम लोग बार बार रिकॉर्डिंग करके डालते रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो गया. तो इसको हमने चेंज नहीं किया, लेकिन आप मान के चलिए चेंज हो गया. आपको देखना है कि हम लोग क्या क्या करवाते हैं. यहाँ एक्सप्लोर ऑल लेक्चर्स है, आप इसको क्लिक करेंगे तो जीएसटी वॉल्यूम 1 में तो पूरा ट्रांसपेरेंट है. ये देखिए इंट्रोडक्शन, इसमें इतने सारे लेक्चर्स. अब मान लीजिए शेड्यूल 1 देखना चाहते हैं, ये देखिए इतने लेक्चर्स. रिवर्स चार्ज पार्ट 1, ये देखिए इतना सारा एकदम लेटेस्ट है. रियल एस्टेट का भी आया था. तो इस तरह से आप सारे लेक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर, आईटीसी पार्ट 1, पार्ट 2, रूल 42, 43, एक एक चीज़ हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में वाइट बोर्ड में समझाया है. फीस कितनी है, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स मिनिमम 5000 है. आपको क्या क्या मिलता है वो हमने सारा व्हाट यू गेट हमने लिखा है. इसमें याद रखिएगा, आपको एक्सेल यूटिलिटी शीट तभी मिलती है जब आप कम से कम 1 साल का सब्सक्राइब करते हैं. तो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट एन ऑप्शन 1 ईयर, तो ये 10,000 है. तो इस तरह से है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में है. तो ये 20 घंटे 30 घंटे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा. आपको अगर अच्छा सीखना है तो यहीं मिलेगा आपको. सो थैंक यू सो मच. जिस तरह से हम लोग वीडियो अपडेट कर रहे हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आ गई, हमने आपको यूट्यूब में ये वीडियो आप देख रहे हैं, और जो हम लोग वाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं वो हम लोग भेजते हैं गूगल ड्राइव में, आपको दे देते हैं और मेल कर देते हैं कि नए वीडियोज़ आ गए हैं. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.